भजन संहिता अध्याय 66। भजन संहिता अध्याय 66। हे सारे पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो कि तेरे काम क्या ही भयानक है, तेरी महासामर्थ्य के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वह अपने कार्यों के कारण मनुष्यों को भययोग्य देख पड़ता है। उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला, वे महानद में पांव पांव पार उतरे, वहां हम उसके कारण आनंदित हुए। वह अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है और अपनी आंखों से जाति जाति को ताकता है। हठीले अपने सिर न उठाए। हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ। वही है जो हमको जीवित रखता है और हमारे पांव को टलने नहीं देता, क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी की नाई ताया था, तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था, तूने घुड़चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। हम आग और जल से होकर गए तो थे, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। मैं होमबलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा, मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा जो मैंने मुंह खोल कर मानी और संकट के समय कही थी। मैं तुझे मोटे पशुओं के होमबलि, मेंढों के चर्बी को धूप समेत चढ़ाऊंगा, मैं बकरों समेत बैल चढ़ाऊंगा। हे परमेश्वर, सब डरवैयों आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणवादन मुझसे हुआ। यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है।